गुरु जी, आज के संक में हम बात करेंगे खुजली को लेकर। खुजली एक आम तौर पर, जिसको हम आम भाषा में बोलें तो बीमारी माना ही नहीं जाता, क्योंकि खुजली हमारे शरीर में कभी भी हो जाती है, कैसे भी जाती है, हम उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जब ये हो जाती है, जब ये दिक्कत दे जाती है, जब हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि फिर वो डॉक्टर के पास जाने से भी ठीक नहीं होता। जैसे खाल जो होती है हमारी, उसमें दाने हो जाते हैं, लाल हो जाती है, और भी अनेक प्रकार की ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये खुजली आखिर है क्या, इसका असली वजह क्या है? देखिए, खून का इन्फेक्शन है जी, खुजली खून का इन्फेक्शन है। ये तीन कारणों से होता है जी। सबसे बड़ा कारण तो आपका आयोडीन नमक, जो जरूर से ज़्यादा आयोडीन नमक खाएगा उसको खुजली लाजमी होगी। दूसरा इसका टैरिक और टैरालीन और साटन, जो इन कपड़ों को ज़्यादा पहनते उनको खुजली लंबे हाथों से लेती है। और तीसरा जो मेन कारण है वह है, जहाँ पे किसी को ये बीमारी थी या वहाँ आप बैठते हैं तो वहाँ से उसके कीटाणु आपके शरीर में जाके वो रोग पैदा करते हैं। और एक बार खुजली हो जाए तो फिर जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसे पैर के तलवे से सिर के बाल तक के सारे शरीर में चलती है। और जब एक बार कहीं खुजली करने लगे तो पूरा शरीर जैसे चुलाई को भुना जाता है, उसमें चिड़चिड़ आ जाती, ऐसे सारे शरीर में ये एकदम चमक उठती है इसकी। और खुजा करने पे जितनी खुजा करेंगे इतनी बढ़ती जाती है। और इसका आज पूरे संसार में एलोपैथिक में इलाज बिल्कुल नहीं है, चाहे वो किसी किस्म की क्रीम दें, चाहे दवाई खाने को दें। शरीर को सुन करते हैं कि आपको तकलीफ हो रही है, परंतु आप महसूस नहीं कर रहे, बस इतना काम है एलोपैथी का। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, रोग को जड़ से काटा जाता है। अब इसमें जहाँ भी आपको खुजली हो रही है, संतरा लाइए, संतरे को छिलके, उसका छिलका बिल्कुल बारीक पीस लें। ऐसे पीसना है जैसे आप क्रीम मुलायम होती है, ऐसे मुलायम हो जाए। अब जहाँ भी आपको खुजली उठती है वहाँ पे इसको अच्छी तरह इसकी मालिश करें, कम से कम 15 मिनट तक। उसके बाद जो संतरा छिल रखा है उसके अंदर जो रस से भरी हुई फांके हैं इसकी, उनको चबाते जाएं, रस चूसते जाएं, बाकी फोड़ को थूकते जाएं। अब जब वो रस सूख जाए तो गर्मी का मौसम है तो ताज़े पानी से, और सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से। इसमें साबुन शैम्पू नहीं लगाना, कुछ भी, अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है पानी से, खूब मड़ मड़ के नहाना है। और उसके बाद नारियल के तेल में कपूर मिला के यदि आपने रखा फिर उसकी मालिश कर लें। उसके बाद आप सूती कपड़े पहने, अब आपको ऐसे शांति मिलेगी जैसे जले हुए अंग पे बर्फ़ रख दी जाती है, उसमें ठंड महसूस होती है, ऐसे पूरे शरीर में ठंड महसूस होगी, आपको खुजली नहीं होगी। संतरा साल में लगभग आपको 10 महीने तो लाजमी मिलता है, सिर्फ 2 महीने का गैप होता है जिसमें आपको संतरा नहीं मिलता। और दूसरा इसका उपचार है नींबू से। और नींबू से जब भी आपने उपचार करना है तो नींबू का रस निकाल के या नींबू को काट करके जैसे साबुन रगड़ते हैं, ऐसे जहाँ जहाँ खुजा वहाँ पे पूरे शरीर में इसको अच्छी तरह नींबू को मसलें। नींबू मसलने में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा पूरे शरीर में। पहले एक बार तो उसमें बहुत तेज चिरमराट होगा, परंतु उसके बाद आपको ऐसे ठंडक महसूस होगी जैसे आपके शरीर में बर्फ रखी है।
अब जब आपको आधा पौना घंटा मालिश करते हो गए नींबू से या नींबू के रस से, तो 15 मिनट का गैप देके आप सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी, गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी जैसे है उसी पानी से स्नान करें मड़ मड़ के, परंतु इसमें भी शैम्पू साबुन नहीं लगाना। शैम्पू साबुन का काम सारा आपका नींबू कर गया। कपड़ा आपने हमेशा सूती पहनना, नमक जो है सिंधा या काला वो भी नाम मात्र के लिए, आयोडीन नमक बिल्कुल छोड़ देना। टैरिकॉट टैरालिन टैरिबोल से हाथ नहीं लगाना, चीनी से हाथ नहीं लगाना, तो आपको खुजा में आराम मिलेगा। दाद है, चम्मल है, खुजा है, इनके लिए नींबू का रस तो सबके लिए अमृत के समान है, परंतु थोड़ी देर के लिए लगता बहुत है, एक बार आँखों से आंसू आ जाते हैं, परंतु उसके बाद ठंड पड़ जाती है। 12-12 घंटे के फासले से दो बार यदि आप नहाते हैं तो आपको चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी खो जाए बिल्कुल शांत हो जाएगी, जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है ऐसे खुजा शांत हो जाती है। और कई बार तो इतनी बेहूदी खुजा होती है कि चाहे जितने मर्जी आदमी बैठे हो आप गुप्त अंगों पे भी खुजा करना शुरू कर देते हैं। परंतु जब नींबू का रस लगा के आप स्नान करेंगे तो अब दोबारा आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, लहसुन प्याज अदरक कच्चे का रस जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी में शहद में मिला के ले सकते उतना ही थोड़ा है, उतना ही आपका खून साफ होगा। यदि खून के अंदर खुजा के कीटाणु मिल जाते हैं तो इसका उपचार आपको कम से कम 1.5-2 महीने करना पड़ता है, तब जाके साफ होता है। परंतु एक बात पर पूरा ध्यान देना कि आप टैरिकॉट टैरालिन टैरिबोल पहनते हैं तो आपको ये चीज़ें राहत तो देंगी परंतु परमानेंट राहत नहीं देंगी। परमानेंट आराम तभी देंगी जब आप सूती कपड़े पहनेंगे। टैरिकॉट टैरालिन टैरिबोल में जो रिएक्शन होती है, जो प्लास्टिक होती है, ये इस रोग को दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ाती हैं। यदि इसने आपने इसकी अजमाइश करनी है तो रात को अंधेरे में अपना कपड़ा खोलें, जैसे आपके शरीर से कपड़े की रगड़ लगेगी आपने देखना जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसे उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं। यही चिंगारियाँ अंदर जाके आपको खुजा का रोग पैदा करती हैं।